मै YouTube फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं स्कॉडा के शोरूम में, जो कि राजापुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं स्कॉडा स्लाविया के टॉप मॉडल, जिसको कि हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। जिस कार का आज मैं रिव्यू करूंगी, आपका 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या फिर अगर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो, तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सो गाइज, ये है होंडा स्लाविया का टॉप मॉडल, जिसको कि हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। ये एक प्रीमियम सेडान कैटेगरी में आती है, और ये फॉक्स वैगन वर्टस, होंडा सिटी एंड हुंडई वर्ना के साथ कम्पीट करती है। अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूँ, तो काफ़ी एलिगेंट एंड स्मार्ट लग रही है। इसके पहले कि इसके रिव्यू के साथ मैं स्टार्ट करूँ, आपको बता देती हूँ ये 5 कलर ऑप्शन में आती है, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ। ये रेड कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अदरवाइज इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इवेल्युएट कर सकते हो। फर्दर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि इसमें आपको 2-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को कवर करेंगे, तो देखते हैं इसके फ्रंट को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर कंपनी फ्रंट लुक ऑफर कर रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेक्सागोनल शेप में ग्रिल देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम आउटलाइनिंग भी प्रोवाइड करा दी गई है। काफ़ी स्मार्ट लग रही है, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके हेडलैम्प की सेटअप की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको LED में ही ये प्रोवाइड कराया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको जो DRLs दिए गए हैं, ये L शेप में देखने को मिल जाएंगे, और ये भी आपका LED में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे की तरफ आऊँ, तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डिज़ाइन एलिमेंट ऑफर किया गया है, और यहाँ पर भी आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाएगा। ये है नीचे की ग्रिल की लुक, स्मार्ट लग रही है, और ये भी आपको ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूं, तो इसको रेड कलर के साथ ही फिनिशिंग दी गई है। बॉडी कलर स्मार्ट लग रही है। यहाँ ग्रिल के ऊपर आपको स्कॉडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक, जो कि बहुत स्मार्ट लग रही है, और उसके साथ यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो देख लिया अब हमने इसका फ्रंट फेशिया, अब देख लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल को। ये है सेडान की साइड प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा नाइस लग रही है। चलिए इसके एलिमेंट्स को देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है, और वहीं अगर मैं रियर व्हील की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स को दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड इंसर्ट के साथ सेंटर में क्रोम वर्क देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। ये है इसकी ORVM की लुक, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड के साथ टर्न इंडिकेटर की यहाँ पर प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर कंपनी ने ऑफर करी है। और इसकी अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूँ, तो ये आपका एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों फंक्शन के साथ अवेलेबल है। उसके साथ यहाँ पर आपको स्कॉडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्रोम फिनिश यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसके टायर्स को आगे दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के टायर कंपनी ऑफर कर रही है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 205/55R16, और यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, और सेंटर में आपको स्कॉडा का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, तो ये सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अगर मैं इसके बी पिलर को आके दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट करी गई है, जिसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में प्रोवाइड कराई गई है। और इसके साथ यहाँ पर आपको सिंगल पेन सनरूफ का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। सो ये थी कार की साइड प्रोफाइल, अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। सो अलॉन्ग विथ साइड प्रोफाइल, ये है कार की रियर प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1, स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने पहले दिखाई थी, और उसके साथ यहाँ पर आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर आपको स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट भी करा दी गई है। नीचे की तरफ आऊँ, तो यहाँ पर आपको स्कॉडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी सेंटर में, जो कि क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाविया की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन क्रोम एक्सेंट में ही प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसके टेल लैम्प की सेटअप की बात करूँ, तो ये आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ रियर में आपको 3-point रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के देखने को मिल जाएंगे, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। और उसके नीचे आपको पीछे की कुछ इस तरह की स्किड प्लेट की लुक प्रोवाइड कराई गई है, बीच में आपको ब्लैक मैट फिनिश दी गई है, और उसके ऊपर क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, जो कि विजिबल नहीं है, रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी।
यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको दो पडल लैंप्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं नंबर प्लेटिंग के लिए। तो चलिए अब हमने देख लिया है इसके बूट को, अब खोलते हैं एंड चेक करते हैं इसकी स्पेस को। सो ये है स्लाविया की बूट। अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूं तो वो है 521 liters और उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ फर्स्ट एड किट की प्लेसमेंट भी करा दी गई है। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि आपको सेम साइज में ही प्रोवाइड कराया गया है 16 inches में, और उसके साथ यहाँ पर आपको सब वूफर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इसकी बूट। चलिए अब देख लिया हमने इसके एक्सटीरियर को, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट केबिन के साथ। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड गेट को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई गई है, ब्लैक एंड बीच का एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको हार्ड टच देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का बटन देखने को मिल जाएगा, विंडो कंट्रोल ऑप्शंस और उसके साथ ORVM के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा और उसके साथ अगर मैं इसके डोर हैंडल्स की बात करूँ तो आपको सिल्वर एक्सेंट में प्रोवाइड कराया गया है एंड सराउंडिंग में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस ऑफर करी गई है। सो इस कार में आपको टोटल 8 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये होगी आपकी स्पीकर की प्लेसमेंट और उसके साथ 2 ट्वीटर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सब वूफर भी ऑफर किया जाता है जिसकी प्लेसमेंट बूट में कराई गई है। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट। तो यहाँ पर आपको 6-way इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको स्टीयरिंग के नीचे स्टार्ट इंजन स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ की तरफ आपको AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है और नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। तो ये आपको ऑटो के लिए दिया गया है जिससे आपकी हेडलैम्प ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन दी डार्कनेस एंड लाइटनेस, और उसके साथ यहीं से आप अपनी हेडलाइट एंड पार्किंग लाइट को ऑपरेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, तो की या छुट्टर-पुट्टर सामान आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो और उसके नीचे यहाँ पर आपको आगे बोनट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये है कार की डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा। अगर मैं इसके टच स्क्रीन यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट प्रोवाइड कराया है कंपनी ने। इट विल वर्क विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, वॉइस कमांड के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और सेंटर में आपको हजार्ड का बटन ऑफर कर दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑटो AC का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो आप इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो दोनों सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड, ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करी गई हैं, तो यहाँ से आप अपनी वेंटिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको लॉक का बटन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑटो ऑफ का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। एक चीज मैं दिखाना भूल गई थी, यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके नीचे आऊं तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइड करा दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। अभी की यहाँ पर प्लेस है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की ही देखने को मिलेगी। पीछे यहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यहाँ पर आप 1 प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हो। चलिए बंद कर देते हैं इसको। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी दे दिया गया है डुअल स्टिचिंग के साथ। खोलते हैं इसको तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं इसकी टिप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश ऑफर कर दी गई है। ये है इसकी को ड्राइवर साइड सीट। तो यहाँ पर भी आपको पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके टच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेदर अपहॉल्स्ट्री प्रोवाइड कराई गई है डुअल कॉम्बिनेशन के साथ। तो ब्लैक एंड बीच का एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। कुशन एंड कम्फर्टेबल लग रही है इसकी सीट्स
और उसके साथ यहाँ पर आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो पीछे के भी तीनों जो हेडरेस्ट दिए गए हैं वो भी आपको एडजस्टेबल ही देखने को मिल जाएंगे। ये है इसका टू स्पोक लेदर स्टीयरिंग व्हील, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाएगी। सेंटर में स्कॉडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। क्रोम रिंग यहाँ पर यूज करी गई है और इसके साथ यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल एंड वॉइस कमांड का फीचर ऑफर कर दिया गया है और यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको कुछ टॉगल स्विचेस ऑफर कर दिए गए हैं, तो इससे आप अपना MID यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन एलिमेंट दिया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश एंड क्रोम का टच देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर में यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एक सनवाइजर एंड टिकट होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी। सेंटर में यहाँ पर आपको दो लैंप्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। ये दोनों आपको LED में ही देखने को मिल जाएंगे। अभी कार की बैटरी लो है तो इसको मैं स्टार्ट करके नहीं दिखा पाऊंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच देखने को मिल जाएगा जो कि इस सिंगल पेन सनरूफ का प्रोवाइड कराया गया है, तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको सनवाइजर के साथ एक वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट कराई गई है। अगर सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की मैं बात करूं तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको क्रोम रिंग देखने को मिल जाएगी और उसके साथ ये है कुछ इसकी डैशबोर्ड की लुक। यहाँ पर आपको हार्ड टच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गोल्डन ग्लॉसी टच प्रोवाइड कराया गया है। नीचे आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी और उसके नीचे यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। खोलते हैं इसको तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करा दी गई है, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको डैशबोर्ड की लुक देखने को मिल जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं इसके रियर केबिन को, तो खोलेंगे इसके रियर डोर को। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके पहले कि मैं अंदर जाऊँ आपको मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है और अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो आप इस स्ट्रिंग को यूज करके इसको खोल सकते हो, तो अब आपका ये 2 कप होल्डर की स्पेस एंड आर्मरेस्ट की स्पेस क्रिएट कर देगा। उसके साथ यहाँ पर आपको 3-पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा दे रही है। लेफ्ट हैंड साइड जाऊं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल एक कोट हैंगर भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ आपको ड्राइवर साइड भी एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है एंड राइट हैंड साइड आपको एक ग्रैब हैंडल अलोंग विथ कोट हैंगर देखने को मिल जाएगा। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 LED में रीडिंग लैंप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और अगर मैं इसके रियर AC वेंट को दिखाऊं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर लुक कंपनी ने ऑफर करी है और उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड बात करूं तो आपको मैगजीन होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके लेग रूम या नी स्पेस की बात करूं तो आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है, तो उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक अच्छा खासा कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो अलोंग विद सनरूफ ये है कार की डैशबोर्ड की लुक जो कि अच्छी लग रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 out of 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS, ESC, TPMS, हील असिस्ट, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन नाउ। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो यहां पर आपको 999cc का इंजन ऑफर करा गया है। इसका इंजन 3-सिलेंडर 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो कि 113.98 BHP की पावर एंड 178 NM का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 19.47 KMPL जो कि कंपनी क्लेम कर रही है और अगर मैं इसके टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 190 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 15,63,400 रुपए।
ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।